तो दोस्तों काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं ऐसे जो मैकेनिक अपनी गाड़ी में इंजन फ्लश करते हैं दुकान में और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई पेट्रोल से इंजन को फ्लश करने से ऐसी कोई भी मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है पर मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि पेट्रोल से इंजन फ्लश करना चाहिए। मैंने हर बार वीडियो में यही बोला है कि पेट्रोल से इंजन वॉश नहीं करना चाहिए, इंजन फ्लश नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली इस काम को करेंगे। मैंने डीजल से, टीटी ऑयल से, न जाने किस किस से ये काम कराया है पर पेट्रोल से मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा हम क्या करेंगे। इतना पेट्रोल गाड़ी में लेंगे, ये हमारे पास गाड़ी है, डीलक्स गाड़ी है, इसके इंजन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी है और इसका इंजन का पूरा प्रॉपर काम होगा, इसके इंजन की बिल्कुल लगी पड़ी है सही तरीके से, इसकी पूरी कंप्लीट रिफर्बिश करनी है, पूरी बॉडी चेंज करनी है, पूरे नीचे के पार्ट चेंज करने हैं, पूरे इंजन की डायमेंशन पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से रिस्टोर करनी है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, अगर आप चाहो तो देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, पूरी खुलने की वीडियो, खुलने से साथ में क्या क्या चीज़ें चेंज होनी सब वीडियो। पर बात करते हैं फ्लश की। तो अभी हम सबसे मैंने इसका इंजन ऑयल निकाल लिया है, इंजन का ऑयल का बोल्ट भी टाइट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पेट्रोल है इस पेट्रोल को इसके इंजन में डालेंगे, कोई बात नहीं, इसके पेट्रोल को इंजन में डालते हैं और इंजन को स्टार्ट करके जैसे कि नॉर्मल मैकेनिक करते हैं, बहुत गलत तरीका होता है वही गलत तरीका हम इस गाड़ी में अपनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी में ऐसे कितने नुकसान आप कर देते हो सिर्फ पेट्रोल से इंजन को फ्लश करने में। आप अपनी गाड़ी का बहुत ही भला चाहते हो पर होता है आपकी गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान। तो सबसे पहले इसके पेट्रोल को हम इसके अंदर डालते हैं, ये तो भाई पेट्रोल जो है थोड़ा सा गिर रहा है, मैं कीप ले लेता हूँ वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो भाई पेट्रोल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही जल्दी उस सतह को पूरा क्लीन अप कर देता है, पूरा लुब्रिकेशन ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो अभी हमने कीप ले ली है फटाफट से, तो ये कीप लेने के बाद हम इसमें डालेंगे पेट्रोल। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये तरीका मैं नहीं बता रहा, ये तरीका जो मैकेनिक लोग करते हैं वो गलत करते हैं, वही तरीका मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ऑन वीडियो ताकि कोई भी मैकेनिक ये काम ना करे और कोई भी कस्टमर ग्राहक अपनी गाड़ी के साथ खिलवाड़ ना करे। ये हमने पूरी ख़राब गाड़ी के साथ ये कर रहे हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। भाई हमने इसमें पेट्रोल सारा डाल दिया है, अब हम क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से गाड़ी में किक मारेंगे। आप किक दो तरीके से मार सकते हो जो ज़्यादातर मैकेनिक करते हैं। अगर आपने पेट्रोल को निकाल के इसके अंदर डीजल डाला होता तो हम किस तरीके से फ्लश करते, हम प्लग निकालते और गाड़ी में किक मारते, चाबी ऑफ करते, ठीक है, किक मारते मारते हम गाड़ी स्टार्ट नहीं करते। अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करना चाहें तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पर स्टार्ट करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होना चाहिए, कैसे कि 20 सेकंड तक स्टार्ट कर लो, 10 सेकंड स्टार्ट कर लो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। पर अभी हमने इसमें पेट्रोल डाला है तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे इस गाड़ी को, सिर्फ इसमें प्लग इसको बाहर निकाल के प्रॉपर तरीके से कम से कम 50 से 60 किक मारेंगे और गाड़ी को चेक करेंगे इंजन खोल के प्रॉपर तरीके से कि किस किस पार्ट पे पेट्रोल गया था और किस तरीके से इंजन को साफ किया, क्लीन किया। तो फटाफट से हम इसका प्लग खोलते हैं और इसके अंदर किक मारते हैं 50 से 60। तो भाई ये हमने प्लग इसका निकाल लिया, इसका प्लग की हालत देखो ऐसी है, ये प्लग इसका है तो ओरिजिनल पर इसकी हालत बहुत बेकार हो गई है प्लग की, ठीक। तो अभी फटाफट से मैं किक मारते हैं, तो भाई बुलाते हैं हरीश को, हरीश जरा आ जा मेरे लाल, किक मार इसमें 50, गिनती की 50 किक मारनी है हमें, ठीक है ना, गिनती की 50 किक मारनी। गाड़ी को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए, ये लिफ्ट का बहुत फ़ायदा होता है भाइयों। तो भाई मारो पूरी नेट 50 किक मारना, ठीक है, चाबी ऑफ कर देते हैं, चलो भाई मारो 1 2 3 4 200 गिनते रहना आप, क्या हुआ ये तो थक गया, 50 हो गई होगी, बहुत तेज मार रहा ये बोल रहा 50 हो गई होगी और ये थक भी गया, पता नहीं कोई नहीं और लगा, चलो गिननी चाहिए। अबे सुन मेरी बात, अभी इसमें तू एक काम कर, 50 के मार गिन के, चल तेजी से मार, ठीक है भाई, 1 2 नीचे 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 तो उधर इधर पास तो आ पास आ, नहीं मार रहा तेरे को मैं। तो दोस्तों ये लड़का है, इसे मैं चिकन मटन पता नहीं क्या क्या खिलाता हूँ और देखो 50 के नहीं लग रही इससे, इसकी शकल देखो भाई, इसकी शकल देखो, इसकी शकल वही देखो,
कमजोर है, जबकि चिकन मटन पता नहीं क्या क्या खिलाता हूँ। अभी लास्ट टाइम चिकन को खाया था हमने, होली होली के पास, होली के आसपास है ना। तो भाई देख रहे हो, 2.5-3 किलो चिकन बनाया था लड़कों के लिए, ठीक है। तो भाई अभी हम क्या करेंगे, हमने किक मार ली है, करीबन 100 के आसपास किक मार ली होंगी तकरीबन हमने। और अभी हम इसका पेट्रोल जो हमने डाला था वो निकालेंगे सारा डिब्बे में और देखेंगे कितना गंदा है। उसके बाद हम इसका इंजन उतारेंगे और इंजन उतार के आपको बताएंगे कि पेट्रोल से कितना ज़्यादा नुकसान आपके इंजन को होता है। तो फटाफट से इसका पेट्रोल निकालो भाई, जो हम इसमें डाला है प्रॉपर एक डिब्बे में निकालो, ठीक है ना। और डिब्बे में पेट्रोल निकालते हैं, उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। दोस्तों ये आ गया हमारा मग्गा, एकदम क्लीन मग्गा है, ठीक है, ऑयल निकालने वाला। तो अभी हम सॉफ्ट फटाफट से इसका निकाल रहे हैं, नट खोल रहे हैं इसका। देख रहे हो कितनी गंदी हालत है, देख रहे हो इसके इंजन की बड़ी बुरी हालत है। तो फटाफट से इसका पेट्रोल निकालते हैं जो उसमें डाला है हमने, और देखते हैं उसकी हालत कैसी हो गई होगी। कॉमन सी बात है यार, पेट्रोल तो गंदा निकलेगा। ये देखो कितनी बुरी हालत हो गई है, ये देखो, इससे साफ पता लगता है कि इसके इंजन में अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो इस मैंने इंजन खोलने से पहले सोचा एक बार इंजन फ्लश कर दूँ आपके तरीके से, जैसे आप करवाते हो लोकल मार्केट में जाके किसी मैकेनिक के जाके। देखो यार, ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पूरा प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो आप अपनी गाड़ी ख़राब कर दोगे पूरा तरीके से। आप AR ब्रदर्स को फॉलो करो, उसकी वीडियो देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत सारी नॉलेज आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है। और आप नई वर्कशॉप पे आके विजिट कर सकते हो, अपनी बाइक को सही करा सकते हो, एकदम मक्खन करवा सकते हो, ठीक है ना। तो फटाफट से हमने इसका निकाल लिया है पेट्रोल, और अब इसका करो एक काम, ये जो नट है इसका लगा दो फटाफट, और इस पेट्रोल को मैं दे लेता हूँ। ये ना मेरे पास पेट्रोल आ गया। तो भाई देखो इसकी हालत कैसी हो गई है पेट्रोल की, ये कुछ ऐसी हालत है इसकी, ये देख लो कितना गंदा पेट्रोल हो गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसके इंजन की बहुत बुरी तरह भजी पड़ी है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंजन उतारते हैं। तो भाई जल्दी से इसका इंजन उतार लो, ठीक है, और इंजन उतार के खोलते हैं, खोल के मुझे बताओ, ठीक है ना। Few moments later. तो फाइनली हमने इस बाइक का जो भी तामझाम देखा था पेट्रोल डाल के, उसके बाद जो रिजल्ट निकला है वो बहुत ज़्यादा बेकार रिजल्ट है। उसका रीज़न क्यों, क्योंकि देखो जब हम किसी भी गाड़ी के इंजन को फ्लश कर रहे हैं तो फ्लश के दौरान इंजन के अंदर ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। जब हम पेट्रोल से इंजन को वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई मतलब सूख जाता है अंदर से जब हम पेट्रोल से इंजन को वॉश करते हैं। तो काफ़ी सारे मैकेनिकों को ये बात बहुत ही कम पता है, और अभी वीडियो के जरिए काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस फैल रही है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है, और जिससे हमारे कस्टमर जो गाड़ी चलाते हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है हमारी वीडियो के जरिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो के जरिए हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात है। कुछ ऐसे नकली लोग भी नकली वीडियो बनाते हैं, नकली जानकारी देते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना भाई, ऐसे बहुत से मैकेनिक हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, पेट्रोल से इंजन को हमने वॉश किया जैसे कि आपको पता है, फ्लश किया, उसके बाद हमने इंजन को खोला। अब इंजन को खोलने के बाद देखा मैंने तो उसका इंजन के ज़्यादातर पुर्जे जो हैं वो एकदम ड्राई है, मतलब एकदम सूख गए हैं। ये देखो जैसे कि इसका पुर्जा, देखो ये क्लच कवर है हमारा, ये पूरा प्रॉपर सूख चुका है। और उसकी अगर बात की जाए गंदगी की, तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं सूखी साफ को, ये देखो अंदर कोने कोने में गंदगी रह गई है, ठीक है ना। ये देखो कोने कोने में, ये देख रहे हो पूरा हाथ देखो काले हैं, ये देखो ठीक है, ये गंदगी रह गई है। अब मैं बात करूँ इसके मेन चैम्बर की, तो ये हमारा है मेन चैम्बर, ये देखो इसके मेन चैम्बर में भी बिल्कुल ड्राइनेस आ गई है, ठीक है। यहाँ कोने में देखो, ये इसके अंदर से बिल्कुल भी गंदगी साफ नहीं हुई है। ये देखो मैं इसको दिखाऊँ तो ये देखो, ये देखो ठीक है। देखो यार, इतनी ज़्यादा गंदगी जब गाड़ी के इंजन में जम जाती है ना, इतनी ज़्यादा इंजन में गंदगी अगर जम जाती है तो वो एक बार के फ्लश से कभी क्लीन नहीं होती है। उसके लिए हमें कम से कम 4-5 बार फ्लश करना पड़ता है हर 1500-2000 किलोमीटर पे, हर 1500-2000 किलोमीटर पे, ठीक है। और पेट्रोल से कभी इंजन फ्लश नहीं होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पेट्रोल से इंजन फ्लश ना करने का मतलब करने के रीज़न कितने बेकार होते हैं। पहली चीज़, इंजन पूरा ड्राई हो गया। अगर मान के चलो इसमें इंजन ऑयल डाला, और इसकी क्या श्योरिटी है इंजन ऑयल एकदम से पूरे इंजन को सर्कुलेट कर देगा, पूरे इंजन में ल्यूब हो जाएगा, पूरे इंजन के अंदर जो बैरिंग है वो एकदम पूरे के पूरे ल्यूब हो जाएंगे, ठीक है। ये इसकी क्रैंक है, और इसकी क्रैंक भी ड्राई हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुकी है। इसके बैरिंग पूरे बेकार हो चुके हैं, बेकार तो हैं इसके बैरिंग, कोई दिक्कत इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमारा पूरा कंप्लीट क्लच है, ये पूरी क्लच असेंबली है, ये पूरी की पूरी क्लच असेंबली देखो ड्राई हो चुकी है। हालांकि इसके क्लच की कटोरी की ज़िंदगी झंड है मानता हूँ मैं, देख लो पूरा ख़त्म है, बट फिलहाल इसके बात की जाए इसकी तो ये पूरा बेकार हो चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है, ठीक है। और इसकी क्लच प्लेटें हैं, ये क्लच प्लेटें भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, देखो इसकी हालत। मैंने कपड़ा मार के सुखाया नहीं है, नेचुरल है जैसे है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी अपनी गाड़ी का इंजन फ्लश पेट्रोल से ना कराएं। बरसातों में जब हमारी गाड़ी पेट्रोल पानी में डूब जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो काफ़ी सारे मैकेनिक इमरजेंसी में पेट्रोल डाल के इंजन को वॉश करते हैं, वो बहुत ही गलत तरीका होता है, उससे नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो गलत है, ठीक है। पेट्रोल बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड पदार्थ होता है। अगर हम किसी इंजन को फ्लश कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे पदार्थ से पेट्रोल मतलब इंजन को वॉश कर सकते हैं जो एकदम ल्यूब्रिकेटिंग टाइप का है, ल्यूब्रिकेट। और कुछ ऐसे फ्लश होते हैं इंजन फ्लश, उसको यूज़ कर सकते हैं।
कुछ ऐसे इंजन फ्लस आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले टाइम में, बट अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कभी भी अपनी गाड़ी का इंजन को फ्लस करने के लिए डीजल टीटी ऑयल का उपयोग करें। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो, अगर आपको लगता है इसमें आपको नहीं कर सकते तो आप किसी प्रॉपर फ्लस से भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप इंजन फ्लस ही नहीं कराना चाहते तो आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल हर 2000 से 2500 किलोमीटर पर चेंज करते हैं। इससे आपकी गाड़ी के इंजन में कभी भी गंदगी नहीं जमेगी और हमेशा ऑयल एकदम साफ सुथरा निकलेगा। कभी हम क्लच पेट फूक जाती है, क्लच पेट डलवा लेते हैं, तो क्लच पेट फूकने पर जब हम गाड़ी रोड पर चलाते हैं तो क्लच पेट का लेदर जो होता है, जो कचरा होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे इंजन में मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे को दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, बाद में इंजन के अंदर वो मिक्स होते रहते हैं, नए ऑयल डालते हैं फिर भी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आई होगी, और अगर ये चीज़ समझ में आई है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बार कमेंट करके बताना कि क्या आपने अपनी मोटरसाइकिल का इंजन फ्लस पेट्रोल से किया है। अगर किया है तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, तो कि मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी वर्कशॉप का एड्रेस वर्कशॉप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जानकारी देता हूँ, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।